स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के किस किस कॉलेज में सेंटअप का पार्ट वन एंड पार्ट टू का एग्जामिनेशन चल रहा है। और बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं मालूम है कि उनके कॉलेज में पार्ट वन एंड पार्ट टू का सेंटअप एग्जामिनेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। साथ ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर आप लोगों को इसी तरह का अपडेट मिल जाएगी, जहाँ पर आप लोगों को जो भी अपडेट है आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। तो जाकर आप लोग वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महादेव सिंह महाविद्यालय भागलपुर के बारे में। तो इसमें आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है बैचलर पार्ट वन का, आप लोगों का सेंटअप एग्जामिनेशन यानी कि जांच परीक्षा भी इसको कह सकते हैं, जो 11 मई 2022 से प्रारंभ हो जाएगी, और इसकी विस्तृत जानकारी आप लोगों को प्रकाशित की गई है। अब आगे की जानकारी देते हैं। TNV कॉलेज की बात करें, TNV कॉलेज में आप लोगों को आज एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है। जो कैंडिडेट को मालूम होगा वो एग्जामिनेशन दिए होंगे BA एंड BSc पार्ट टू के टेस्ट एग्जामिनेशन यानी कि सेंटअप एग्जामिनेशन आज ख़त्म हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं AK गोपालन डिग्री कॉलेज सुल्तानगंज भागलपुर। तो इसका जो है पार्ट वन का सेंटअप एग्जामिनेशन 25 अप्रैल से आप लोग को स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसमें आप लोग को नीचे शेड्यूल भी जारी किया गया है। 25 से लेकर आप लोग को 27 अप्रैल तक इसका टेस्ट एग्जामिनेशन चलने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपको BLSC कॉलेज नवगछिया, इसको ये भी BA BSc BCOM के पार्ट वन ऑनर्स 2021-22 का यहाँ पर टेस्ट एग्जामिनेशन जारी कर दिया गया है। 11/5/2022 से लेकर आप लोग को इसमें 18/5/2022 तक चलने वाली है। इसी तरह से सभी कॉलेजों का दिया गया है। अगर आप लोगों का कॉलेज का नाम यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा वहाँ पर आप लोगों का डेट, और साथ में अपना पार्ट वन है या पार्ट टू है तो उसके आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अपडेट हम दे सकें। अब बात कर लेते हैं, फिर आगे है सुंदरवती महिला महाविद्यालय भागलपुर। सुंदरवती महिला महाविद्यालय भागलपुर कॉलेज का जो BA BSc BCOM का पार्ट टू का सेशन 2019-22 के 25 अप्रैल से आप लोगों का जांच परीक्षा शुरू की जाएगी। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं भागलपुर नेशनल कॉलेज के बारे में। तो भागलपुर नेशनल कॉलेज का जो है इसका पार्ट वन का सेंटअप एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है। जो कैंडिडेट को मालूम होगा वो दिए होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी भागलपुर में यहाँ पर 11 मई 2022 से लेकर 12 मई 2022 तक इसकी एग्जामिनेशन चली है, टेस्ट एग्जामिनेशन यानी कि इसको सेंटअप एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दिया गया स्नातक पार्ट वन पार्ट टू की जाँच परीक्षा 10 से, तो कौन सा कॉलेज का है? तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, प्रखंड के ताड़ कॉलेज में स्नातक के छात्र छात्राओं की जांच परीक्षा के लिए मंगलवार को कॉलेज परिसर में शिक्षकों की बैठक हुई, यानी कि 10 मई से एग्जामिनेशन ली जाएगी ताड़ कॉलेज में टेस्ट एग्जामिनेशन की। आगे बात कर लेते हैं महादेव सिंह कॉलेज के बारे में, जिसमें आप लोग को शेड्यूल जारी किया गया। आप लोग शेड्यूल देख सकते हैं, 11 मई से 13 मई तक इसमें शेड्यूल है पार्ट वन की एग्जामिनेशन टेस्ट एग्जामिनेशन का। अब बात कर लेते हैं जेपी कॉलेज नारायणपुर में यहाँ पर टेस्ट एग्जामिनेशन की बात करें, तो टेस्ट एग्जामिनेशन जो है पार्ट टू का यहाँ पर 25 से शुरू होगा और 27 तक चलने वाली है, या फिर इसको सेंटअप एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। तो आप लोग हमने बता दिया, साथ ही जो कॉलेज का नाम नहीं लिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जहाँ पर आप लोग हम डिटेल दे देंगे कि किस डेट को आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है टेस्ट एग्जामिनेशन, या फिर इसको कह सकते हैं सेंटअप एग्जामिनेशन। सारी अपडेट मिल जाएगी, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट आएगी वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।